किस्से अनप्लग्ड सीजन 1 पावर्ड बाय एलसी बर्गर्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो तो है ही, पर कभी कभी सबसे बड़े विलन भी। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के सबसे बड़े चौकीदार और फेसबुक पे गणेश जी की फोटो स्पैम करने वाले सबसे बड़े गुनहगार। इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिश्ते में सबके बाप लगते हैं। तो अपनी चादर तान के अपने आप को चार दीवारी में कैद करें, ईयरफोन्स लगा के अपने तकिए पर बोझ डालें और एक सुकून भरे अंधेरे में आइए सुनते हैं इस सीजन का पहला एपिसोड। पापा कहते हैं, जिसको बोला है मिस्टर नया शो है, नया होस्ट हूं तो भूल जाता हूं कि नाम नहीं ले सकता, तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि शायद ये मेरे पापा हैं, या शायद ये आपके पापा हैं, या फिर उस लड़की के जिसकी वजह से आपने अपने बोर्ड्स के एग्जाम खराब किए थे। चलिए आप सुनिए इनका किस्सा, तब तक मैं अपने पापा को मना के आता हूं कि पापा मुझको ये स्टार्टअप करने दें। नमस्कार, आज मैं जिस बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस शायद आप लोग को ना हो, बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन मुझे भरोसा है अंत तक आप सब मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे। अब बाप हूँ, भरोसा तो हो ही जाता है। मेरा लड़का एक राइटर है, वो किसी स्टार्टअप में काम करता है, तो एक दिन मेरे पास आया, कहता है कि पापा कुछ वो पॉडकास्ट वगैरह का होता है उसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने मन की बात बोल सकते हैं कुछ भी, और उसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे कि आप कौन हो, आप नहीं बताएंगे उसको। तो मैं सोचा कि चलो इसी बहाने मैं भी अपने दिल की बात बोल दूं फिर। देखो अब वैसे मैं ज़्यादा पिक्चरें वगैरह देख नहीं पाता हूँ, घर परिवार को खुश करने में ही लगा रहता हूँ, लेकिन मैंने कुछ पिक्चरें देखी दरवीज, तो उसमें यार मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ कि बाप को एकदम विलन दिखाते हैं। अब वो चाहे तारे जमीन पर हो या थ्री इडियट्स हो, उसमें बाप ही सबसे ज़्यादा डल होता है, सबसे नॉन क्रिएटिव बाप होता है। अब मैंने फिर बोला कि एक बार अपनी माँ से पूछना जाके, उनको प्रपोज कैसे किया था मैंने। अब वो प्रपोजल देख के इनकी दो मौसी भी पट गई थी। अब यही महाशय हैं, पहले बोलते थे कि कभी एक्टर बनना पापा, मैं एक्टर बनूँगा, तो मैं उतना सुंदर तो हूँ नहीं, अब ना ही इनकी माँ कोई हेमा मालिनी है, तो शक्ल तो हमें पता है ना। तो अभी फिर इन्होंने बोला, जैसा सभी बोलते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक्टर है तो हम भी बन सकते हैं, तो अब इनको ये कौन बताए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 14 साल दिन के एक वड़ा पाव पे गुजारा है। अब मेरी सरकारी नौकरी है, इनकी माँ भी थोड़ा बहुत कमाती हैं, अब उसके बावजूद तुम दर दर की ठोकरें खाओगे, ये अच्छा नहीं लगेगा ना यार, मतलब थोड़ा सेल्फिश हम भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी ये जिद भी कोई मतलब गलत तो नहीं है, अब लड़का मेरा ही है, जीन्स तो वहीं से आते हैं ना, अब हम भी इनके दादाजी से ही लड़के शादी किए थे और अपना अलग काम खोलना चाहते थे, टायर का बिजनेस चलता था उस टाइम बहुत ज़्यादा, मेरा मन था कि हम अपना अलग टायर का बिजनेस शुरू करें, लेकिन फिर समय बीता और समय और इनकी माँ ने ऐसी लात मारी कि अकल आ गई मुझे। खैर अब जैसे ये लोग कंपेयर करते हैं कि पापा वो मार्क जुकरबर्ग भी तो कॉलेज ड्रॉप किया और ऐसे सक्सेसफुल हो गया, स्टार्टअप किया एंड ऑल, तो बेटा वो हार्वर्ड कॉलेज का ड्रॉप आउट था, इनको कौन समझाए, वो हार्वर्ड कॉलेज का ड्रॉप आउट है, तुम प्राइवेट कॉलेज के लौंडे हो, तुम जब पैदा हुए थे तुम्हें तुम्हारी माँ से पहले हमने उठाया था, बित्ता भर के थे तुम, उठाते ही ना एक फील आई थी कि अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम ध्यान रखेंगे तुम्हारा, कभी आंख में आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन तुम वो एक लड़की के लिए रो देते हो, तुम पे इतना गुरूर है हमें, तुम जानते नहीं हो, लेकिन बस वही एक लड़की के लिए। ठीक है अब क्या समझता, हमें नहीं पता है, सब पता है जिसको दोस्त दोस्त बोलते हो, कोई दोस्त दोस्त नहीं है, काट रही है तुम्हारा सही से, देखना वो 5 पिक्चर विक्चर देख के हफ्ता भर जलेबी खा के एक झुमका खरीद के छोड़ देगी।
जब रोते हो ना, लगता है कि दिल पे कोई कुल्हाड़ी चला दिया हो। देखो, रोया नहीं करो, हमको बताओ, हमसे खुल के बात करो, कभी हम साथ देंगे ना तुम्हारा। कभी कोशिश तो किया नहीं, कोशिश तो करो। तुम्हारा पहला कॉन्डम भी मैं दिला सकता हूँ, तुम्हारी माँ नहीं दिलाएगी कभी। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे हाँ होता है, लड़का लड़की में ऊंच नीच होती है, लेकिन ये भी है कि जब बच्चा हो जाता है ना, तो ये सारा कुछ पलट जाता है। मतलब माँ के खाने की तारीफ तो सब करेंगे, लेकिन उसके लिए, उसके आटे के लिए जो बाप दर दर की ठोकरें खाता है, 8 से 5 जॉब करता है, बॉस की डांट सुनता है, लोगों की बगल सूंघता है, उसका कोई मोल नहीं है। रात को हकते तुम थे और तुम्हारी माँ हमें भेजती थी कच्ची लाने, तुम्हारे खिलौनों के लिए। यार तुम्हारा वो क्या 900 रुपये का लट्टू आता है, जो जिसको क्या बोलते हो, बेब्लेड बोलते हैं उसे, हाँ। अब उस बेब्लेड के लिए हमने अपना रेडियो छोड़ा था उस समय, याद है हमें। अपना मोहम्मद रफ़ी छोड़ के तुम्हारा वो एमिनम सुना, साला गाता भी नहीं है यार, वो खाली बकबका देता है पूरा। देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे स्टार्टअप से या एक्टर बनने से, ये सब मेरे असिस्टेंट मैनेजर इन ऑयल प्रोडक्शन से बहुत अच्छा। मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े, दुनिया में और कोई ऐसा नहीं सोचता कि मुझसे कोई आगे बढ़ जाए, लेकिन बाप सोचता है। देखो, बस यही चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस यूज़ करो, दर दर की ठोकरें ना खाओ। दुनिया बहुत ख़राब है, तुम्हें सपने दिखाएगी, हद से अधिक सपने दिखाएगी, लेकिन बाप ही एक होता है जो रियलिटी चेक देता है। अब अगर तुम्हें चावल बनाने नहीं आता, तो बिरयानी बनाने का नहीं सोचो, पहले चावल बनाना सीख लो और फिर बिरयानी के सपने देखो। हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, और एक बात हमेशा याद रखना, बाप बाप होता है। तो ये था मेरा किस्सा, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बेटे को नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है, और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम, मंजिल।